अज्ञात डकैत गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के साथ एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। बता दें कि डांडा खिरक में सामना हुआ ग्वालियर पुलिस के साथ एनकाउंटर में डकैत गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली जा लगी। ग्वालियर के घाटी गांव के जंगल में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। डकैत गुड्डा गुर्जर ने मुरैना और श्योपुर जिले में अनेकों वारदातों को अंजाम दिया है। बता दें कि अभी उस पर 60,000 रुपये का इनाम रखा गया था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ग्वालियर जोन डी श्रीनिवास ने मीडिया को पूरी जानकारी दी। साथ ही एनकाउंटर में एसएसपी राजेश डंडौतिया, सीएसपी रत्नेश तोमर, ऋषिकेश मीणा और टीआई दामोदर गुप्ता की भूमिका सराहनीय रही। ब्यूरो रिपोर्ट। आज शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा के बसोटा जंगल में गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा और इसका 2-3 साथीदार भागने में सफल हुए हैं। गुड्डा गुर्जर के ऊपर 60,000 का इनाम है, 30,000 ग्वालियर आईजी की तरफ से, 30,000 चंबल आईजी की तरफ से और इसके ऊपर 3 मर्डर, 5,307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है अभी तक और ग्वालियर चंबल में बहुत वांटेड डकैत है। तो इस एंगल से पुलिस ने बहुत मेहनत करके आज सफलता अर्जित की। बेहोश अभी होश में नहीं है, अब डॉक्टर से बात चल रही है लेकिन संभवतः खतरे से बाहर। किस तरह से इसका पूरा रिमांड लेने लिया? देखिए अभी तो फिलहाल काफी चीजें अभी पेंडिंग है, अभी सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग में कहाँ कहाँ गोलियां चली हैं, खोखे वगैरह सारी चीजें बरामद कर रही है। टीम लगी हुई है वहाँ पर सर्चिंग कर रही है, फ्लड जो लाइट्स में टॉर्च में और इसके अलावा फिर उसमें दियासी लालसी लिया कर कार्रवाई की।